हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपनेशन। आपका 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एट विच प्लेस द 12th एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस बीनियल डिफेंस एक्सिबिशन डेफ एक्सपो 2022 वाज हेल्ड। प्रतिष्ठित द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो किया गया ऑप्शन है गांधीनगर, ऑप्शन ए गुजरात का गांधीनगर। और वहीं इस डेफ एक्सपो 2022 को ऑर्गेनाइज किया था डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा, और जो करंट डिफेंस मिनिस्टर है भारत के वो है राजनाथ सिंह। और ये जो एक्सपो है ये 18 अक्टूबर को स्टार्ट हो गया था और ये चलेगा 22 अक्टूबर तक। वहीं इस एग्जीबिशन में जो मेन फोकस रहेगा वो लैंड, एयर, नेवल और होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम पे रहेगा। वहीं इस एग्जीबिशन का ये 12वां एडिशन है, और वहीं इस एग्जीबिशन में ऐसा पहली बार होगा कि जितनी भी कंपनियां इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं वो सारी की सारी भारतीय है। वहीं जो इस साल का थीम था वो था पाथ टू प्राइड, पाथ टू प्राइड। अब्दुल लतीफ रशीद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो चुने गए हैं ऑप्शन सी इराक देश के, ऑप्शन सी इराक। तो जो इराक का पार्लियामेंट है उसने इलेक्ट किया है अब्दुल लतीफ रशीद को एज द नेक्स्ट एंड 9th प्रेसिडेंट ऑफ इराक। तो ये भी याद रखिएगा ये 9वें प्रेसिडेंट है इराक के। वहीं ये रिप्लेस कर रहे हैं बरहम सले को, बरहम सले। वहीं इससे पहले रशीद जो है वो इराक के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर रह चुके हैं वर्ष 2003 से लेकर 2010 तक। और वहीं बात करें इराक की तो कैपिटल बगदाद है और वहां की जो करेंसी है वो है इराकी दिनार, इराकी दिनार। पीएम डिवाइन स्कीम एम एट डेवलपिंग विच रीजन ऑफ इंडिया? पीएम डिजाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र का विकास करना है? तो पीएम डिवाइन जो है वो डेवलप करेगा ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट रीजन को, ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट रीजन। और वहीं जो पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म है वो है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। वहीं इस योजना को यूनियन कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। और वहीं इस स्कीम के तहत नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में करीब करीब 6,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और बाकी लाइवलीहुड प्रोजेक्ट को सेटअप करने में। वहीं स्कीम में जो पैसा लग रहा है वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार देगा, और वहीं इस प्रोजेक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। और इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका नाम है जी किशन रेड्डी जी, जी किशन रेड्डी। वहीं कंप्लीट कैबिनेट मिनिस्टर का लिस्ट देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत इन अक्टूबर 2022? निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2022 में कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन डी आदर्श स्वाइका, आदर्श स्वाइका। डॉक्टर आदर्श स्वाइका जी जो है वो करेंटली ज्वाइंट सेक्रेटरी है इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और इनको नियुक्त किया गया है एज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत। वहीं ये सक्सीड करेंगे सिब्बी जॉर्ज को, और सिब्बी जॉर्ज को बनाया गया है अगला राजदूत जापान का। तो याद रखिएगा नेक्स्ट एम्बेसडर टू जापान होंगे सिब्बी जॉर्ज। वहीं इसके साथ एक और अपॉइंटमेंट है कि जो अवतार सिंह है जो कि डायरेक्टर है इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्हें अपॉइंट किया गया है एज इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ गिनी। और वहीं जो बात हो रही कुवैत की तो जान लेते हैं जो कुवैत का कैपिटल है वो है कुवैत सिटी, कुवैत सिटी। हु हैज वन द वुमेन्स एशिया कप T20 2022? महिला एशिया कप T20 2022 किसने जीता है? तो जीता है भारत ने, ऑप्शन सी इंडिया। तो जो वुमेन्स एशिया कप T20 है जो चल रहा था बांग्लादेश में, उसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका महिला टीम को हरा के वुमेन्स एशिया कप ट्रॉफी को अपने नाम किया। वहीं जो भारतीय टीम है उसने एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 5 बार हरा चुका है। वहीं ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम का 7th एशिया कप टाइटल है। और वहीं जो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड गया था वो गया था रेणुका सिंह को। वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स? कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है ऑप्शन सी 123, ऑप्शन सी 123।
161 कंट्रीज में भारत का रैंक है 123, और वहीं इस इंडेक्स में नॉर्वे ने टॉप किया है, वहीं दूसरे नंबर पे जर्मनी, तो तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और वहीं इस इंडेक्स को जो पब्लिश किया है वो है ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, वो है ऑप्शन बी 107, ऑप्शन बी 107। वहीं पिछले साल 2021 में भारत का जो रैंक था वो 101 था, और वहीं इस साल वो 6 प्लेस पीछे चल गया है और इसका जो रैंक है वो 107 है आउट ऑफ 121 कंट्रीज। वहीं जो भारत के पड़ोसी देश है जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, उनका जो रैंक है वो भारत से काफी अच्छा है। वहीं इस इंडेक्स का जो रैंक डिसाइड होता है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के स्कोर पे होता है, और वहीं भारत का जो स्कोर है वो 29.1 है, और भारत को वहीं रखा गया है सीरियस कैटेगरी के अंदर में। और इसे कैलकुलेट करने के लिए 4 इंडिकेटर्स या मापदंड है, उसके बेसिस पे ये रैंक तैयार होता है। तो क्या क्या वो इंडिकेटर्स है देख लेते हैं, जिसमें पहला है अंडर नरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि वो बच्चे जिनकी उम्र जो है 5 साल से कम है और उनकी जितनी हाइट है उतना उनका वजन नहीं है। वहीं तीसरा जो इंडिकेटर है वो है चाइल्ड स्टंटिंग, इसमें भी जो 5 साल या उससे कम के जो बच्चे हैं और उनका जो हाइट होना चाहिए था उससे उनका हाइट कम है। वहीं जो चौथा आखिरी इंडिकेटर है वो है चाइल्ड मोर्टैलिटी, यानी कि मोर्टैलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। तो इन 4 इंडिकेटर्स पे इस इंडेक्स को तैयार किया गया है, और वहीं इस इंडेक्स को 2 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर पब्लिश किया है, जिसमें पहला है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वहीं दूसरा है वेल्ट हंगर हिल। When was the World Standards Day 2022 observed across the globe? विश्व मानक दिवस 2022 दुनिया भर में कब मनाया गया? तो मनाया गया ऑप्शन ए 14 अक्टूबर को, ऑप्शन ए 14 अक्टूबर। World Standards Day या International Standard Day, ये हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, और वहीं जो इस साल का थीम था वो 2021 वाला था, यानी कि जो थीम 2021 में था वही इस बार भी था, और वो थीम था शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। और वहीं इस दिन को शुरू किया था फारूक शंटर ने इन द ईयर 1970, और फारूक शंटर जो थे वो आईएसओ के प्रेसिडेंट थे, आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। चेरियाल स्क्रोल पेंटिंग इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट, चेरियाल स्क्रोल पेंटिंग किस राज्य की कला है? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, आपको इसका सही आंसर हमें नीचे कमेंट करके बताना है। और वहीं हमारा ये डेली करंट अफेयर का लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।